आप देख रहे हैं मिशन न्यूज पाकिस्तान की आवाज। गलियों में और सही आईपीएल छोड़ के दूसरा दिन हमें जो है मार्ग पे भी ले जाया किया करते हैं। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी सईदाबाद बल्तिया टाउन 4 नंबर पर जमात इस्लाह अल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस आमला का इजलास रखा गया, जिसमें आने वाले तमाम जिला गरबी के मेहमानों से जमात की तरक्की के लिए मशवरे व तजावीज़ भी ली गई। याजिज मोहम्मद सुल्तान तायरी, जमात इस्लाह अल मुस्लिमीन जिला गरबी कराची के प्रेस सेक्रेटरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला गरबी का मजलिस आमला मुनक्किद किया गया ज़िले ओहदेदारान ब्रांचेस और ओहदेदारान के तहत, जिसमें खुसूसी शिरकत जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन सूबे सिंध के कायदीन ने की, ओहदेदारान ने की और मेरे महबूब मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद तायर अल महरूब महबूब सज्जन साई दामत बरकात ज़िला आलिया के खुलफा इकराम उलमा इकराम तशरीफ़ लाए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में जो कवरेज की मीडिया के दोस्तों ने, रॉयल टीवी वाले और देखिए जी, बात यह है कि असल में बात यह है कि ये मज़हबी जमात है। और असल में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो बेसिकली सियासी जमातों को तो ज़्यादा तवज्जा देता है, लेकिन असल में इन जमातों की तरफ उनकी तवज्जा नहीं होती। और कोशिश ये है कि अगर मीडिया इन पर तवज्जा दे तो बेहतरीन ये है कि ये जो मज़हबी जमातें हैं, ये असल जो पैगाम है दीन का, जो आका दो जहाँ रहमतुल आलमीन जो अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे, उसको फैला रही हैं। तो हमारी जमात का यही मिशन है। आने वाले मेहमानों ने जमात के लोगों को तोहफे व तवाफ और सिंधी अजरक सर्टिफिकेट के साथ नवाजा। कैमरा टीम शहजाद हुसैन, मिशन न्यूज़ कराची।